एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी लेकर आए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों के लिए वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें आपका किसी भी तरीके का कोई एग्जाम नहीं होगा। आप मेल है फीमेल है तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर आपका किसी तरीके का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर आपका रहेगा। और सोने पर सुहागा बात यह है कि जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो दिल्ली में रहेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, कौन सी वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एज क्राइटेरिया मांगा गया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया, क्या यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। उससे पहले आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करी जाए दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों के लिए वैकेंसी निकली है वो निकली है ऑफिस ऑफ नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ये वैकेंसी निकली है वो निकली है BECIL के थ्रू। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो आप लोगों के लिए पहली पोस्ट निकली है वो निकली है अकाउंट असिस्टेंट की, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है कि आपने यहाँ पर BCOM करी होनी चाहिए और आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए टैली की। डिजायरेबल में यहाँ पर दोस्तों आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते, क्योंकि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं मांगा गया है। यहाँ पर जो आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो की जाएगी 37,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। बात करी जाए नेक्स्ट वैकेंसी की, जो यहां पर निकली है वो निकली है आपकी आईटी असिस्टेंट की, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि या तो आपने यहां पर बीसीए करी होनी चाहिए या फिर दोस्तों यहां पर आपने बीएससी इन कंप्यूटर करी होनी चाहिए। अगर आप इन चीजों को फुलफिल कर रहे हैं तो आप यहां पर इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में ही यहां पर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 34,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से यहां पर आपको सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आपको करना होगा ऑनलाइन अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आपको जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े ही ध्यान से फिल कीजिएगा दोस्तों, उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी पे करनी है, जो कि आपकी रहेगी जनरल और ओबीसी के लिए 885 रुपए, एसटीएससी पीडब्ल्यूडी के लिए 531 रुपए। यहां पर दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 5 नवंबर 2023। यहाँ दोस्तों 5 नवंबर 2023 से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। आपको यहां पर फॉर्म का प्रिंट आउट भी लेना है दोस्तों फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 7 नवंबर को जाना होगा वॉक इन इंटरव्यू के लिए। जब भी आप दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको अपने साथ अपने सारे ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और आप अपने साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी जरूर लेकर जाइएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपको रिपोर्ट करना है वो रिपोर्ट करना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2nd फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ICAT कैंपस 2 सेक्टर 11 IMT मानेसर गुड़गावा 122051। यहाँ पर दोस्तों आपको रिपोर्ट करना होगा 10 बजे से पहले पहले, क्योंकि 10 बजे दोस्तों यहाँ पर आपका इंटरव्यू रहेगा, तो आप वहाँ पर उस टाइम से पहले पहुँच जाइएगा, अपने साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। ये दोस्तों आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। एडवर्टीजमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एडवर्टीजमेंट को अपने आप गो थ्रू जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग आर वीडियोज़।